स्वागत है दोस्तों आपका मेरे चैनल पे। मैं हूँ रौनक पेंटर, आपका दोस्त। और आज हम सीखेंगे कि डैम प्रूफ किस तरह किया जाता है, उसका सही तरीका क्या है। तो सबसे पहले जो छत है, टेरेस है, उसकी अच्छे से घिसाई करवा ले। जो भी एक्स्ट्रा माल हो सीमेंट का, उसको अच्छे से आपको मजदूर लगाकर सेठ से बोले, घर मालिक से बोले कि अच्छे से इसको सफ़ाई करवाए। तो किसी भी डस्ट वगैरह नहीं रहना चाहिए। देख सकते हैं आप, ये जो एक्स्ट्रा सीमेंट है इसमें हम इसकी सफाई करा रहे हैं अच्छे से। इसकी अच्छे से सफाई हो जाएगी, उसके बाद ही हम इसमें डैम प्रूफ करेंगे। तो किस तरह करेंगे वो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो अच्छे से इसकी घिसाई सफाई करा ले, उसके बाद अच्छे से इसको धुलाई करवा ले इसकी। इस तरह धुलाई कराए इसकी कि जितना भी डस्ट वगैरह है, सीमेंट वगैरह है, सारी साफ़ हो जाए, सारी धुल जाए, तभी डैम प्रूफ इसकी पकड़ करेगा। अच्छे से झाड़ू से घींच कर एक जना पानी डाले, एक जना झाड़ू से घिस कर साफ़ करे। इस तरह की मैं इसको बतला रहा हूँ भाई को, इस तरह से इसकी घिसाई अच्छे से सफाई करना है। अच्छे से इसकी धुलाई हो जाए बेहतरीन, उसके बाद ही डैम प्रूफ ऑफ करिए, तो उसकी पकड़ अच्छी रहेगी, मजबूती अच्छी रहेगी उसकी। वो करने में भी आपको अच्छा मज़ा आएगा, एकदम रफ चलेगा माल। इस तरह अच्छे से इसकी धुलाई करा ले। अब धुलाई करने के बाद फिर आपको डैम प्रूफ करना है। तो ये फर्स्ट क्वार्टर डैम प्रूफ हमारा लग रहा है। एक वर्कर को ब्रश दे देना, जो साइटें वगैरह जितनी भी साइटें होगी इसकी, वो साइटें करता हुआ आएगा। जो पैराफाइट रहती है वॉल बाउंड्री, उसकी साइटें, और एक रोलर से बीच की ज़मीन करेगा, क्योंकि रोलर जो है वो जड़ तक नहीं पहुंच पाता है। तो इसलिए वहाँ पर ब्रश यूज़ करें और बीच की जो जगह है उस पर रोलर यूज़ करें। तो ये फर्स्ट कोट हमारा लग रहा है, अच्छे से आपको लगाना है, क्योंकि इसको जो इसकी छत है, जो टेरेस है, इसको हमने अच्छे से घिसाई करवा ली इसकी, उसके बाद अच्छे से इसकी धुलाई भी करा ली। तो उसकी जितनी भी डस्ट वगैरह है वो सब साफ़ हो चुकी है, मट्टी वगैरह सीमेंट वगैरह कुछ भी नहीं है इसमें, चीज़ साफ़ हो चुकी है। और होने में भी बहुत मस्त से अच्छे से हो रहा है ये, इसकी पकड़ भी मजबूती भी अच्छी रहेगी इसे। तो इस तरह से आपको पहला कोट अप्लाई करना है। पहले कोट अप्लाई करने के बाद आपको इसको 2 घंटे रेस्ट देना है। जबर भाई तो बड़ी बड़ी बता रहे यार। अच्छे से होना चाहिए माल, एकदम गाढ़ा ही रखना, आपको ज़्यादा पतला नहीं करना, ज़्यादा पानी नहीं मिलाना उसमें, ताकि छोटे मोटे गड्ढे वगैरह है वो सब लेवल हो जाएंगे, भर जाएंगे। और ये थोड़ा माल पेस्ट टाइप रहेगा तभी इसका ये काम बतलाएगा, नहीं तो ये अच्छे से नहीं हो पाएगा। ये पहला कोट हमारा कंप्लीट हो चुका है और दूसरा कोट इस पर चल रहा है। हमने पहले कोट करने के बाद 2 घंटे का रेस्ट दिया था इसको, ये सेकंड कोट अप्लाई कर रहे हैं हम। पहला कोट हमारा हो चुका है, एकदम वाइट नहीं दिख रहा है पहला कोट, क्योंकि छत काली थी। अब जो सेकंड कोट है उसमें थोड़ा वाइट हो गया है। हमारा दूसरा कोट भी फाइनल हो चुका है, आप देख सकते हैं। इसमें कम से कम आपको 4 कोट लगाना है, तभी इसमें मज़ा आएगा आपको, और गर्दनी को भी अच्छा रहेगा, और जो पानी वगैरह की प्रॉब्लम है छत पे, जो पानी छूता है वो भी छूना बंद हो जाएगा। तो कम से कम आपको 4 कोट लगाना है, और जो भी आपका घर मालिक है उससे अगर वो 2 कोट लगवा के छुटवाए तो कोई बात नहीं, 2 कोट लगा दीजिए आप। वो 4 लगाए तो 4 लगाना। ये बाल्टी है डैम प्रूफ की, आप पढ़ सकते हैं इसका नाम,
स्मार्ट केयर डेम प्रूफ। तो आई होप आपको अच्छे समझ में आई होगा। उसका यदि कुछ कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ लिया करें, कमेंट का रिप्लाई जरूर करूँगा। और वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और चैनल पर पहली बार आए हो आप तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ऐसा कोई चार्ज नहीं लगता, फ्री सेवा है।